चलिए कुछ बर्तन धो लेते हैं आज। आई नो आप सब लोगों ने लॉकडाउन में बर्तन ज़रूर धोया होगा जब मेड्स नहीं आती थी। मेरा भी कहानी आप लोगों के जैसा ही है, मैंने भी लॉकडाउन में बहुत सारे बर्तन धोए, इसीलिए मुझे डिश वॉशर एक लग्जरी नहीं बट नेसेसिटी लगती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडर वुमेन्स वर्ल्ड। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ डिश वॉशर का डेमो। और ये देखिए ऐसा होता है शूट। चलिए देखते हैं डिश वॉशर का डेमो विदाउट एनी डिले, और साथ ही मैं आप लोगों का इसका यूजेज एंड रिव्यू सारा बताऊंगी। मेरे पास है हैफले का अक्वा 12S, जिसमें 12 प्लेस का कैपेसिटी होता है। जैसे इसका डोर ओपन करते हैं, डोर के साइड रहता है एक लिक्विड डालने के लिए प्लेस और एक सोप का क्यूब डालने के लिए प्लेस रहता है, और डिश वॉशर के अंदर डिशेस रखने के लिए ऐसे ओपनेबल चैनल्स होते हैं जिसमें हम लोग प्लेट्स एंड डिशेस प्लेस कर सकते हैं। मैं जनरली फिनिश कंपनी का रिंसेड लिक्विड यूज़ करती हूँ। दूसरे कंपनी का भी बहुत सारे ऑप्शंस है बट मुझे फिनिश कंपनी का ही बहुत अच्छा लगा है आज तक। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था, इस पोजीशन में हमें लिक्विड डालना है, तो यहाँ पे लिक्विड डाल के मैं इसको फुल कर देती हूँ। ये 3-4 वॉशेस जनरली चल जाता है, तो इसलिए मैं इसको फुल करके रख देती हूँ। अब मैंने लिक्विड एंड सोप का क्यूब दोनों ही प्लेस कर दिया है। डिश वाला बास्केट जो है ये पूरा ही रिमूवेबल होता है। इसको बाहर निकालने के बाद इसके अंदर एक स्पून के लिए अलग वाला बास्केट भी है जिसमें मैं स्पून्स एंड फोक्स प्लेस कर देती हूँ ताकि वो प्लेसेस से ना हिले और कहीं गिर ना जाए। अब ये जो स्टैंड दिख रहा है इसके अंदर मैं बड़े बड़े प्लेट्स प्लेस कर देती हूँ। ये प्लेट्स प्लेसिंग के लिए ही होता है और इसमें बड़े वाले प्लेट्स बैठ जाता है। दूसरे साइड भी ऐसी ही प्लेट्स रखने वाला स्टैंड है बट इसको मैं क्लोज रखती हूँ ताकि मैं बड़े वाले बर्तन यहाँ पे रख सकूँ। अगर मेरे प्लेट्स ज़्यादा है तो उसको मैं एडजस्ट कर सकती हूँ फिर से। जब भी प्लेट्स ज़्यादा हो तो इस स्टैंड को ऐसे सेट कर देने से यहाँ पे प्लेट्स प्लेस कर सकते हैं। डिश वाला स्टैंड को मैं पूरा ही बाहर निकाल दे रही हूँ, और ये जो आपको दिख रहा है ये जो डक्ट है इसमें से हमारा जो वेस्ट होता है, फूड का वेस्ट या फिर बर्तन धोने के बाद जो भी वेस्ट कलेक्ट होता है वो इसी में कलेक्ट होता है। इसको हमें 2-3 वॉश के बाद इसको निकाल के क्लीन करना रहता है कभी कभार। जैसे मैंने आपको पहले बताया था चैनल्स पूरा ही बाहर आते हैं, तो मैं चैनल को पूरा निकाल दे रही हूँ उसकी व्हील की मदद से ड्रैग करके। और अब मैं यहाँ पे जो तीसरा डक्ट है यहाँ पे सॉल्ट डालना होता है, उस पोजीशन में मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। उसके साथ ये फैनल भी आया रहता है सॉल्ट डालने के लिए, तो ये फैनल प्लेस करके इसमें मैं सॉल्ट डाल दे रही हूँ। ये जो सॉल्ट है ये यूज़ होता है, जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्टन करने में मदद होता है ये। और ये नॉर्मल वाला सॉल्ट नहीं है, डिश वॉशर के लिए स्पेसिफिक सॉल्ट आता है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ऊपर का दूसरा जो बास्केट है इसमें भी छोटे मोटे बाउल्स एंड ग्लासेस ऐसा सारी चीज़ें रख सकते हैं, एंड छोटे प्लेट्स भी प्लेस कर सकते हैं, और साथ ही में स्पून्स भी प्लेस कर सकते हैं इस वाले प्लेस में। और इतना ही नहीं, यहाँ पे मैं मेरा जनरली 5 लीटर का कुकर भी प्लेस कर देती हूँ क्योंकि उतना स्पेस रहता है, 15-16 इंचेस का स्पेस रहता ही है ऊपर वाले बास्केट में भी। ऊपर के बास्केट के जस्ट नीचे एक फ़ैन होता है घूमने वाला, जैसे नीचे था, ये पानी को स्पिन करने में घुमाने में मदद करता है जिससे डिशेस को अच्छी तरीके से पानी मिल जाता है। ऊपर वाला बास्केट में मैंने कप्स एंड छोटे छोटे बाउल्स और साथ ही में कुकिंग के मिल्क बॉयल किया हुआ बर्तन ऐसे सारी चीज़ें रख दिया है, और कुकर के थोड़े स्टैंड्स ये सारे रख दिए हैं मैंने। सिंस नीचे के बास्केट में प्लेट्स लगने के स्टैंड्स है इसलिए मैंने यहाँ पे बड़े बड़े प्लेट्स स्टैंड पर प्लेस कर दिया है, और साथ ही में मेरे पास छोटे प्लेट्स नहीं थे आज तो मैंने ये गैप खुला रखा है, और साथ में बड़े बड़े बाउल्स और उसके साथ ही स्पून्स वगैरह मैंने नीचे के बास्केट में रख दिया है। अब मैंने डिश वॉशर को लोड कर दिया है बर्तन के साथ, और सारा लिक्विड एंड सोप जो डालना था वो सारा डाल दिया है। इसको एक बार क्लोज करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को प्रोग्राम चूज़ करना रहता है, कौन से प्रोग्राम स्टार्ट करना है और कितने देर तक चलना है, ये सारा हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना रहता है बाहर से।
अब मैं डिशवॉशर का पावर ऑन कर देती हूँ। जैसे हम लोग जनरली प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं वॉशिंग मशीन में, वैसे ही यहाँ पे हम लोगों को अलग अलग प्रोग्राम का ऑप्शन रहता है और डिले स्टार्ट भी रहता है यहाँ पे अवेलेबल। तो हमने जितना बर्तन डाले हैं उसके हिसाब से हम लोगों को प्रोग्राम सेलेक्ट करना पड़ता है। मैं जनरली इको मोड में वॉश करती हूँ बर्तन को, और आज के मेरे बर्तन बहुत कम है और साथ ही में ये ज़्यादातर ग्लास के बर्तन हैं, तो इसलिए मैं इसको पहला वाला प्रोग्राम, नीचे से पहला वाला प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेती हूँ और वो है ग्लास का, यानी कि डेलिकेट वॉश का। तो डेलिकेट वॉश करीब 1 आवर तक चलता है, तो इतने में मेरे बर्तन क्लीन हो जाएंगे। डिश वॉशर का साउंड थोड़ा रहता है। अब हमारे बर्तन धुल गए हैं, मशीन को ओपन करते हैं। थोड़ी देर के लिए ऐसा ओपन रखती हूँ, फिर वो सूखने के बाद बर्तन निकाल के मैं डालूँगी। इसको ओपन कर रही हूँ मैं। अब डिश वॉशर जब ओपन करूँगी तो इसमें गर्म वाला स्टीम आएगा, क्योंकि ये हॉट वाटर से धोया रहता है डिशेस को, तो इसमें से स्टीम आएगा। स्टीम थोड़ा जाने तक मैं रुक जाऊँगी और उसके बाद बर्तन जब पूरे ड्राई हो जाएंगे तभी मैं इसको घर के अंदर सेट कर देती हूँ। और ये देखिए कितने अच्छे से क्लीन हुए हैं, इस देखिए कितना अच्छे से चमक रहे हैं। और ये देखिए कुकर का बर्तन भी इसमें बहुत अच्छे से साफ हो गए हैं। बर्तन इतने अच्छे से धुल गए हैं तो अच्छे से खाना भी खा लेते हैं डिशेस में। तो फ्रेंड्स, हो गए ना हमारे सारे बर्तन अच्छे से क्लीन। हाँ तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगा, बर्तन धो दिया और काम हो गया हमारा? अभी नहीं, वीडियो को आधे में छोड़ के जाने से पहले पूरा बात तो सुन लीजिए। मेरा डिशवॉशर लेने का डिसीजन सिर्फ इसलिए नहीं था कि लॉकडाउन में हम लोगों ने बहुत सारे बर्तन धोया या फिर मेड नहीं थे, बट उसके और भी बहुत सारे रीजन हैं। तो मैं आप लोगों को डिटेल में वो सारा रीजन बताती हूँ आज के वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फर्स्टली, जैसे मैंने आपको बताया था, लॉकडाउन में हम सब लोगों ने ये प्रॉब्लम झेला ही है कि मेड्स अलाउड नहीं थी सोसाइटी में, ये तो एक रीजन था ही। उसके बाद भी, उसके बावजूद भी हम लोग डे टू डे लाइफ में कितना प्रॉब्लम फेस करते हैं जब मेड छुट्टियों पे जाती है या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए छुट्टियों पे जाती है। इवन दो मेड करके जाती है काम, बर्तन धोने का एंड ऑल, बट वो इतना क्लीन नहीं हो पाता है। और तीसरा रीजन है कि पानी का यूज भी बहुत ज्यादा हो जाता है डिश वॉशर में। जस्ट लाइक आवर वॉशिंग मशीन जिसमें हम कपड़े धोते हैं, वैसे ही लिमिटेड वाटर यूज होता है डिश वॉशर में। और पानी भी हाई टेम्परेचर में हॉट वाटर से डिशेस धोता है, इसीलिए के साथ हमें साफ सुथरा बर्तन भी मिल जाते हैं विद इन नो टाइम। हम लोगों को ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, बस बर्तन को एक बार उसके अंदर सेट करना है। एंड यस, ये इंडियन डिशेस को अच्छे से क्लीन करता है। और कढ़ाइया एंड जिसमें बहुत सारा तला हुआ है या फिर मसालेदार चीजें जिसमें आप लोगों ने बनाया हो, उन बर्तनों को थोड़ा सा एक स्क्रबर से वाइप करके बस रख दीजिएगा डिशवॉशर में, वो भी अच्छे से अच्छा क्लीन होके ही आएगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी जिससे आप हैरान हो जाएंगे। ये एक टाइम का डिश वॉश करने के लिए हमें पड़ेगा 21.5 रुपीज। यस, आपने करेक्ट सुना, सिर्फ 21 रुपीज 50 पैसा पर वॉश के लिए। और स्पेशली मैंने आपको 3 इंग्रेडिएंट दिखाए थे जिसमें यूज होता है, और वो पावर बॉल जो है डिश वॉशिंग वाला पावर बॉल सोप, वो अगर हम यूज कर रहे हैं तो लिक्विड वॉश एंड सॉल्ट को यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सोसाइटी में रहती हूँ, वहाँ पे थोड़ा हार्ड वाटर का प्रॉब्लम है, वाटर बहुत ही हार्ड है, उसको लेवल को कम करने के लिए मैं सॉल्ट यूज करती हूँ। तो वो जो डिश वॉशर क्यूब आता है वो पड़ता है 16 रुपीज का, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी आपको पड़ेगा करीब 5 रुपीज 50 पैसा। मैं कर्नाटका में रहती हूँ तो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो इवन तो ये मंथ का अगर हम सम करेंगे तो इट्स जस्ट 645 रुपीज। इतने कम में तो कोई भी मेड आपके यहाँ काम शायद नहीं करेगी, सिर्फ बर्तन धोने का काम। और साथ ही में ये अगर आप 2 बार भी यूज कर रहे हो दिन में तो आपको पड़ेगा 1290 रुपीज। ये महीने का मैं बोल रही हूँ आपको, कैलकुलेट करके। तो इन सारे रीजन की वजह से मुझे डिश वॉशर बहुत अच्छा लगा एंड कम्फर्टेबल भी रहता है वो यूज करने में। और साथ ही में
इतना अच्छा होता है बर्तन कि मुझे हाथ से धोने का जरूरत नहीं पड़ा है। तो फ्रेंड्स, होप आप सबको आज का मेरा ये वीडियो यूजफुल रहा हो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड मैं इतना मेहनत के साथ आप लोगों के लिए नया नया टॉपिक के बारे में बोलती हूँ, आपके साथ मेरा नॉलेज शेयर करती हूँ, इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।